हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बहुत बहुत अच्छे होंगे। और मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत फ्रेंड, पूजा कुमारी ब्लॉग में। और आज देखो, ये है नारियल, ये कल का रखा हुआ था, कल मैंने खरीदे थे दो। और मैं इसकी बनाने जा रही हूँ चटनी, मैं पहली बार बना रही हूँ, देखती हूँ कैसी बनती है, कैसी लगती है फ्रेंड। तो मेरा ब्लॉग पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना फ्रेंड। चलिए मैं बनाती हूँ, और आज मैं मूंग दाल की चिली भी बनाऊंगी इसके साथ। नारियल को मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ, और आज इसकी बनाने वाली हूँ आज चटनी। और इनके साथ बनाने वाली हूँ मैं मूंग दाल के चीले, मूंग दाल चावल और उर्द की दाल के। यहाँ पे आज के मेरी छोटी बेटी, और देखिए यहाँ पे बैठ के खेलेगी मेरे पास। अभी इसने वीडियो की तरफ नहीं देखा है, अभी आपसे देखो हाई करेगी, मैं जो भी बोलती हूँ वो कैक कर देती है ये। अभी नारियल इसमें से निकल नहीं रहा है, बहुत ताकत लगानी पड़ रही है। तो देखिए अब मैं इसको तोड़ के जब निकालूंगी, ऐसे मैंने धरती में मार लिया और ये टूट गया है दो हिस्सों में। अब ये निकल जाएगा, अच्छे से छील के साफ़ कर लूँगी, इसको धो लूँगी। यहाँ पे मैंने कट कर लिया है नारियल को, यहाँ पे हरी मिर्च और मैंने अदरक और यह दाल, मैं इनको भूनूँगी। तो यहाँ मैंने तवे पर ले लिया थोड़ा सा तेल, और उसमें डाल दिया है अदरक और हरी मिर्च थी। हमें इन्हें अच्छे से भूनना है थोड़े 5 मिनट के लिए, ताकि जो दाल है उसकी खुशबू ना रहे। तो कच्ची कच्ची बनाएंगे तो हम उसमें खुशबू आ जाएगी। तो देखिए मैंने ग्राइंडर में रख लिया है, और मैं इसको पहली बार बना रही हूँ नारियल की चटनी। और देखिए इस तरीके से मैंने पीस ली है नारियल की चटनी। अब इसमें राई का तड़का भी लगाऊँगी मैं। उससे पहले मैं जो दाल चावल थे उन्हें मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने रात को भिगो के रखे हुए थे, हमें इन्हें भी पीस लूँगी। तो दाल भी मैंने पीस ली है, दाल कुछ इस तरीके से हो गई है, देखिए ऐसा बैटर बना हुआ है दाल का भी। दाल में मैं डाल लूँगी नमक, और कुछ नहीं डालूँगी, ना सोडा ना कुछ भी इनू वगैरह। यहाँ पे दाल में मैंने डाल लिया है नमक, इसको रख दूँगी। और जो नारियल की चटनी थी उसमें मैंने लगा दिया राई का तड़का, राई का तड़का अच्छा लगता है नारियल की चटनी में। और यहाँ पर डाल दिया मैंने थोड़ा सा कट करके धनिया, क्योंकि कड़ी पत्ता नहीं था मेरे पास। तो देखिए यम्मी यम्मी चटनी हो गई हमारी तैयार। और ये तवा है पहले मेरा ऑयल का हो रहा था, सुबह मैंने परांठे बनाए थे इस पर, तो मैंने वही वाला तवा ले लिया है। और मैं ना इस तरीके से यहाँ पे फैला के बना रही हूँ, चीले कह लो आप, ये डोसे भी बन सकते हैं। थोड़ा बैटर को हमें थोड़ा पतला कर देंगे तो ये ना डोसा भी बन सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चीले बना लिए हैं, थोड़े पतले पतले ही बना लिए हैं, आप इन्हें डोसा भी कह सकते हो। ये खाने में ना उतने टेस्टी लगे थे कि बहुत ही ज़्यादा यम्मी। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डाल के अच्छे से हमें इनको सेकना है, गैस को थोड़ा हमें कम ही रखना है, ताकि हमारा ये चीला है जो अच्छे से कड़क हो। बहुत ही आसान है ये चीले बनाना, आप नाश्ते में भी बना सकते हो, झटपट बन जाएंगे नारियल की चटनी बना के। आप उसके साथ बनाकर देखना एक बार, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू देखेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए मैं इसी तरीके से सारे चीले बना लूँगी। मेरा ब्लॉग, मेरा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताया करिए फ्रेंड, ताकि मुझे ऐसा उम्मीद लगे कि आप लोग मेरा ब्लॉग वीडियो देख रहे हो। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से बना ली हैं चीले, ये डोसे की तरह मैंने फोल्ड भी कर दिए हैं। यहाँ पे मैं अभी आपको थाली में लगा के दिखाती हूँ,
ये हो गई यहाँ पे नारियल की चटनी और चिली। आइए फ्रेंड खा लीजिए, गर्मा गर्म खाने में बहुत ही टेस्टी लग रहे थे ये, तो खा लीजिए फ्रेंड। और आज का वीडियो मेरा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आगे चलिए मैं आपको ब्लॉग में दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपनी छोटी बहन को खिलाया, कह रही थी मस्त लग रहे हैं दीदी, तो देखिए अब मैं उनको देने जा रही हूँ। ये इसने भी चेक कर लिया है, टेस्ट कर लिया फ्रेंड, और वो भी खा लेंगे और मैं भी खा लूँगी। यहाँ पर बच्चे नहीं आए हैं अभी पढ़ के, एक तो अभी घूमने गई हुई है। चिले खाकर हमें बहुत ही ज़्यादा स्वाद आ गया फ्रेंड, हम इस तरीके के एक और बार बनाएंगे। साफ करते हैं, खाना खाया है हमने। फिर से आज की हूँ मैं अपनी ड्यूटी पर ही किचन में, जो भी बर्तन हुए थे मैं वो सारे साफ़ कर लेती हूँ यहाँ पे फटाफट से, क्योंकि अगर आप कोई भी सामान बनाते हो तो बर्तन सबसे पहले होते हैं बहुत ही ज़्यादा, तो मैं उन्हें साथ के साथ ही यहाँ पर साफ़ कर लेती हूँ। फिर बाद में अभी मुझे खाना भी बनाना है। मोबाइल देखते रहो और हम यहाँ पे देखेंगे टीवी। अब तो नाश्ता तो हो गया हमारा। तुम्हारे हस्बैंड तक तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन मम्मी ने दिया। मैं घर में जगह दी, डांस एकेडमी में काम करने का मौका दिया। मैं शान की बात नहीं कर रही, ओलंपिक कॉमन सेंस की बात कर रही हूं। यहाँ पे मैं अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ दलिया गरम, कि वो खाना चाहती है दलिया, उसको दलिया खिलाऊंगी। यह दूध वाला दलिया कल बनाया था मैंने, मैं थोड़ा सा दूध और डाल दिया है। ये खाएगी दलिया पलाम तत्याल मम्मी ने खाली है। देखो ये मैं कमल पेन कलाया मल, देखो टीपी पे लग गई, टीपी पे बहुत कला पे, देखो हमारे पोतू है। और छोटी बेटी यहाँ पे आ चुकी है पढ़ के, और इस वीडियो को यहीं एंड करूँगी। कल मिलूँगी न्यू वीडियो के साथ।